Hello everyone, I am Tarun Shanwani, Faculty of Mechanical Engineering Department in Sri Rawatpura University, Raipur. Today we discuss about non-conventional machining. So let's start. Here is the introduction of non-conventional machining. So let's first we discuss about the definition of non-conventional machining. And non-conventional machining or unconventional machining is a special type of manufacturing process in which there is no direct contact between the tool and the workpiece. Okay, तो non-conventional machining या फिर इसी को हम unconventional machining बोलते हैं या non-traditional machining. इस manufacturing process में हमारा जो टूल और जो वर्क पीस रहता है ये दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, ठीक है. जैसे कि कन्वेंशनल मशीन प्रोसेस में क्या होता है कि टूल और वर्क पीस के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, तो जस्ट अपोजिट नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में टूल और वर्क पीस के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता. इन अनकन्वेंशनल मशीनिंग अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल फॉर्म अ गिवन वर्कपीस. तो अनकन्वेंशनल मशीनिंग में एक एनर्जी फॉर्म यूज करते हैं, किसके लिए, मटेरियल रिमूवल के लिए. जो वर्कपीस हम यूज करते हैं उसका मटेरियल रिमूवल जो हमको करना है उसके लिए हम एक अलग से एनर्जी यूज करते हैं अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में. तो जैसे इसमें इंट्रोडक्शन में लिखा है, इन ऑर्डिनरी मशीनिंग वी यूज हार्डर टूल टू वर्क ऑन वर्क पीस, ठीक है. तो नॉर्मली जो हम कन्वेंशनल मशीनिंग में क्या करते हैं कि हम एक टूल यूज करते हैं हार्डर टूल, वर्क जो हम वर्क पीस में जो भी हमको मटेरियल रिमूव करना रहता है उसमें, लेकिन हम क्या करते हैं अनकन्वेंशनल मशीनिंग पीस में एक अलग एनर्जी फॉर्म को यूज करते हैं मटेरियल रिमूवर के लिए, ठीक है. अब ये हमारा इनडायरेक्ट एनर्जी फॉर मशीनिंग के लिए जस्ट एग्जाम्पल, जैसे स्पार्क के रूप में एनर्जी या फिर लेजर, हीट, केमिकल, डिफरेंट टाइप्स के हम एनर्जी के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में कौन कौन सा मशीनिंग प्रोसेस आता है. तो इसके कुछ मशीनिंग प्रोसेस जिसमें सबसे पहले है ECM मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, सेकेंड है ECG इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग, थर्ड है EDM इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, देन है WEDM वायर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, नेक्स्ट है LBM लेजर बीम मशीनिंग, देन EBM इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, WJT वाटर जेट मशीनिंग, AJM एब्रेसिव जेट मशीनिंग, एंड लास्ट इज USM मीन्स अल्ट्रासोनिक मशीनिंग. ओके, देन इसके बाद देख लेते हैं कि अनकन्वेंशनल मशीनिंग के कुछ एडवांटेज है, इसको डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि हाई एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिशिंग, क्योंकि हम इसमें वर्क पीस और टूल के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता, जिसके कारण हमारा जो सरफेस फिनिश रहता है मटेरियल रिमूवल के समय वो हमको अच्छे क्वालिटी में मिलता है, ठीक है. सेकेंड है लेस नो वियर. ओके, तो फिर से वही केस है कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता टूल एंड वर्क पीस के बीच, जिसके कारण लेस एंड नो वेयर होता है. फिर थर्ड आता है टूल लाइफ इज मोर, टूल लाइफ ऑब्वियसली मोर रहेगा क्योंकि इसमें हम एनर्जी फॉर्म के रूप में यूज कर रहे हैं मटेरियल रिमूवल के लिए, और इसमें हम टूल यूज नहीं करते, जैसे कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तो रहता नहीं है हमारे वर्क पीस और एंड टूल के बीच. फोर्थ है क्यूरेटर ऑपरेशन, ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर नहीं रहे, जिसके कारण क्या होता है नॉइस पोल्यूशन बहुत ही कम होते हैं मटेरियल रिमूविंग के टाइम में. एंड लास्ट है लेस एनवायरमेंट हैजार्ड्स. तो ये कुछ एडवांटेज थे नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के.